good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now, today we learn about Standard 4 EBS, chapter number 17, Nandita in Mumbai. तो यहाँ पे चैप्टर में नंदिता है, वो कहती है कि नंदिता पहली बार अपने घर से मुंबई आ रही है। गाँव की जिंदगी बहुत ही पीसफुल होती है, यानी कि बहुत ही शांतिपूर्वक लगती है, लेकिन गांव में कुछ चीज़ें अक्सर नहीं मिल पाती जो हमें आसानी से शहर में मिल जाती है। तो उन्हीं में से एक चीज़ है जैसे कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी। तो आपको तो पता ही होगा कि शहर में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, तो हमें आसानी से हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल जाती है, मगर वो हमें गांव में आसानी से नहीं मिलती। तो नंदिता भी अपने माँ के इलाज के लिए मुंबई आई हुई है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। नंदिता लिखती है, आई कम टू मुंबई इन अ मंथ एगो, यानी कि नंदिता कहती है कि मैं लगभग एक महीने पहले मुंबई आई थी। सिंस वी कम मदर हैज बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, और जब से हम आए हैं मम्मी के हॉस्पिटल के एडमिट यहाँ पे किया हुआ है। तो नंदिता कहते हैं कि मैं लगभग एक महीने पहले मुंबई आई थी और जब से हम आए हैं मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट, मैं अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए मुंबई आई हूँ, तो वो हमें यहाँ पे नंदिता कहती है। तो आपको तो पता ही होगा कि मुंबई कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है। तो मुंबई इज़ अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि मुंबई है वो महाराष्ट्र की राजधानी है। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द बिग सिटी मुंबई। आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी, यानी कि मुझे धीरे धीरे शहर में रहने की हैबिट हो गई है। आई स्टिल रिमेंबर द डेज वेन मदर एंड आई गोट ऑफ द ट्रेन इन द मुंबई स्टेशन, यानी कि वो कहती है कि मुझे आज भी याद है, स्टिल रिमेंबर यानी कि मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहली बार अपने माँ के साथ मुंबई स्टेशन में पहली बार उतरी थी, इट वॉज सो क्राउड, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। क्राउड यानी कि बहुत सारी भीड़ थी। आई क्विकली यानी कि फटाक से, मीनिंग ऑफ क्विकली यानी कि फटाक से, तो मैंने जल्दी से अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। आई क्विकली कॉच होल्ड ऑफ मदर्स हैंड, यानी कि वो कहती है कि मैंने जल्दी से अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। देन आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन द क्राउड, फिर वो कहती है कि मैं सोच रही थी कि इतनी भीड़ में हमें मामा जी मुझे कैसे पहचानेंगे। जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड नंदिता नंदिता। देन जस्ट देन यानी कि मैंने उसके बाद देखा कि आई हियर यानी कि मुझे सुनाई दिया समवन यानी कि कुछ कॉलिंग लाउडली यानी कि उसने कहा कि मुझे, फिर बाद में पीछे से मैंने देखा कि कोई मुझे लाउडली यानी जोर से पुकार रहा है जैसे कि नंदिता नंदिता। आई टर्न बैक एंड देयर वॉज मामा, यानी कि जब मैं पीछे मुड़ी, टर्न यानी कि जब मैं पीछे मुड़ी तो वहाँ पे मेरे मामा थे, यानी कि उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अवर नेक्स्ट पैराग्राफ इज, वी लेफ्ट द स्टेशन एंड वेयर सून ऑन अवर वे टू मामाज हाउस, यानी कि हम जल्दी से स्टेशन छोड़कर मामा जी के घर की तरफ जाने लगे। बट अगेन इट वॉज सो क्राउड एवरीवेयर, यानी कि स्टेशन के बाहर बहुत सारी यानी कि हर जगह पे बहुत सारी भीड़ थी। एवरीवेयर यानी कि हर जगह। देर वेर मैनी हट्स इन ऑल अलोंग द नैरो स्ट्रीट, यानी कि वहाँ पे कहती है कि बहुत सारे छोटे छोटे घर एक पतली गली के आसपास मुझे नज़र आ रहे थे। नैरो यानी कि आसपास और स्ट्रीट यानी कि जो गलियां होती हैं वो, तो वो कहती है कि बहुत सारे छोटे छोटे घर एक पतली गली के आसपास मुझे नज़र आ रहे थे। तो आपको तो पता ही होगा कि मुंबई जो सिटी है वो बहुत ही बड़ी है, उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रीट यानी कि गलियां होती हैं और उसमें बहुत सारे हाउसेस होते हैं। देन नेक्स्ट लाइन इज, वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस, यानी कि और उसी गली में मैंने जाने के बाद मामा का घर आया।
Mama, mommy, their two daughters and a son all live in one room. यानी कि वो कहती है मामा मामी उनकी दो बेटियाँ और एक बेटा सभी पांच ही लोग एक रूम वाले घर में रहते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि मुंबई बहुत बड़ी सिटी है, तो उसमें छोटे छोटे घरों में एक ऐसे ही वन रूम वाला हाउस भी होता है। देन क्या लिखती है वो, नाउ आई टू लीव हर विद देम, इट इज हर हियर दैट वी सिट स्लीप कुक एंड वॉश ऑल इन वन रूम। यानी कि फिर वो कहती है और अभी हम भी उनके साथ रहने वाले थे उनके घर में, तो वहाँ पे उनके एक ही घर में ऐसे सोना कुक करना वॉशिंग सब सारा एक ही रूम में होता है। तो वो हमें यहाँ पे जो नंदिता है वो हमें ये बातें बताती हैं। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैव ओनली वन रूम। यानी कि गाँव में जो मेरा घर है वो भी एक छोटा सा है, विलेज यानी कि गाँव, बट वी हैव सेपरेट प्लेस फॉर कुकिंग एंड फॉर पार्किंग। हम खाना अलग जगह पे बनाते हैं और नहाने के लिए भी अलग व्यवस्था है। सेपरेट प्लेस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस यानी कि अलग अलग जगह है। तो वो कहती है कि गांव में जो मेरा घर है वो बहुत छोटा सा है, हम खाना अलग जगह पे बनाते हैं वहाँ पे और नहाने की भी हमारी अलग व्यवस्था वहाँ पे होती है। We also have courtyard outside, यानी कि हमारे वहाँ पे गांव में घर के सामने यानी कि बाहर एक बड़ा सा आंगन यानी कि वरंदा भी है। courtyard यानी कि आंगन और outside यानी कि बाहर। तो वो कहती है कि गांव में जो मेरा घर है वो बहुत छोटा सा है, हम खाना अलग जगह पे बनाते हैं और वहाँ पे नहाने की अलग भी व्यवस्था है और हमारे घर के बाहर एक बहुत सी बड़ा सा आंगन भी है। तो वो हमें यहाँ पे नंदिता बताती है। देन अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट, यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर बताने हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई। यानी कि नंदिता है वो अपनी मम्मा को विलेज से मुंबई क्यों लेकर आई थी। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, नंदिता हैड टू ब्रिंग हर मदर टू मुंबई फॉर ट्रीटमेंट। यानी कि जो नंदिता है वो अपनी मम्मा को मुंबई इसलिए लेकर आई थी क्योंकि वो बीमार थी, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए लेकर आई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट सी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर मामा लिव हुआ। यानी कि जब नंदिता है वो अपनी मामा के वहाँ रहती थी तो उसने जब फर्स्ट टाइम टॉयलेट यूज़ किया था तो उसको ऐसे वॉमिटिंग जैसा क्यों लग रहा था। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, द टॉयलेट वॉज टू डर्टी एंड स्मेल बैड सो नंदिता यूज टू फील लाइक वॉमिटिंग। यानी कि जब उसने फर्स्ट टाइम मामा के वहाँ का जो टॉयलेट था उसने यूज़ किया था तो उसको इसलिए गंदा लगा था कि क्योंकि वो जो टॉयलेट था वो बहुत ही गंदा और उसमें बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, तो उसको ऐसे वॉमिटिंग जैसा फील हुआ था। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वे डिड नंदिता फाइंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हर हाउस इन द विलेज। यानी कि जो नंदिता है उसको अपने विलेज वाले हाउस के उसको अपने विलेज वाले हाउस से जो अपने मामा का जो हाउस है उसको क्यों डिफरेंट लगा। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, देयर इज कोर्टयार्ड सेपरेट किचन एंड बाथरूम इन नंदिताज हाउस इन द विलेज। क्योंकि जो नंदिता है जहाँ पे वो गांव में रहती थी तो उसका वहाँ पे ऐसे किचन यानी कि खाना बनाने का और बाथरूम उसका ऐसे डिफरेंट यानी कि सेपरेट प्लेस भी था, यानी कि उनका खाना बनाने का और बाथरूम दोनों डिफरेंट डिफरेंट जगह पे था। देन वाइल देयर इज नो कोर्टयार्ड और सेपरेट किचन और बाथरूम इन हर मामाज हाउस इन मुंबई। यानी कि उसके जो मामा का हाउस था मुंबई उसमें जो सारे किचन और जो बाथरूम है वो सारा एक ही वन रूम हाउस में था, इसीलिए उसको अपना विलेज वाला हाउस ऐसे मामा के हाउस से डिफरेंट लगा। देन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉट डिफरेंस डिड नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप एंड इन द विलेज। यानी कि जो नंदिता है वो अपने मामा के वहाँ पानी भरने गई थी तो उसको ऐसे विलेज से क्यों डिफरेंट लगा।
then how can we write answer? There is no fight or rush to get water from pond and river in the village. यानी कि जो नंदिता है वो अपने गांव में ऐसे जहाँ पे रिवर और पॉन्ड में यानी कि तालाब में और नदियों में जब पानी बढ़ने जाती थी तो उसको ऐसे उसने कभी भी फाइट करते हुए नहीं देखा था. देन वाइल इन मुंबई देयर आर फाइट्स टू गेट वाटर फ्रॉम पब्लिक टैप पीपल हैव टू कम इन क्यू टू गेट वाटर. द टाइम वॉज ऑल्सो फिक्स फॉर वाटर सप्लाई इन मुंबई. यानी कि जो नंदिता है वो अपने गांव में तो ऐसे नदियों में और तालाब में पानी भरने जाते थे तो उसको वहाँ पे कोई भी फाइट देखने को नहीं मिलती थी. और जहाँ पे वो मुंबई में अपनी मामा के वहाँ पे आई थी तो वो जहाँ पे पब्लिक टैप में पानी भरने जाती थी तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती थी क्योंकि सबको अपना गड्ढा पहले भरना होता था और वहाँ पे एक दिन में एक ही टाइम में पानी आता है इसलिए वहाँ पे बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती थी. देन उसको वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग भीड़ जमा हुई दिखती थी तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे झगड़े भी होते थे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिताज मामाज लिव. क्या आपको पता है कि जो उसके नंदिता की मामा के जो हाउस है उसमें ऐसे इलेक्ट्रिसिटी थी? देन हाउ कैन वी राइट आंसर? यस देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी एट प्लेस वेयर नंदिताज मामा लिव. यानी कि यस जहाँ पे वो अपने मामा के वहाँ पे रहती थी तो वहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी थी. क्योंकि आपको पता होगा कि जब हमने आगे चैप्टर में पढ़ा था तब जब हमने चैप्टर में पढ़ा था तब हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे उसके वन रूम हाउस जो उसका मामा का घर था वहाँ पे ऐसे एक टीवी भी है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. देन जब वो अपने मामा के घर आ रही थी तो उसको ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के वायर भी दिखाई दे रहे थे तो इससे पता चलता है कि उसके मामा के घर में इलेक्ट्रिसिटी थी. देन इसलिए हमारा आंसर है कि उसके मामा के घर में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी उसके मामा के घर में जब वो रहती थी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी. तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर नंदिता के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर देखे. देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लर्निंग न्यू थिंग्स. यानी कि नई नई चीज़ें सीखना. यहाँ पे नंदिता कहती है एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माय मदर. यानी कि वो कहती है कि मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी इसलिए मैं हर रोज़ उसको बस में चढ़ के मिलने को देखने के लिए जाती थी. एट फर्स्ट आई वॉज टू स्कैड टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेस. यानी कि वो कहती है कि शुरू में इतनी भीड़ वाले बस में जाना मुझे बहुत ही डरावना जैसा लगता था. मीनिंग ऑफ स्क्रेड यानी कि डरना. एवरी डे यानी कि हर रोज़. क्राउडेड यानी कि जहाँ पे ऐसे भीड़ जमा होती है वहाँ पे. तो वो कहती है कि शुरू में तो इतनी वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी बस में तो मुझे वहाँ पे बस से जाना बहुत ही डर लगता था. आई वॉज नॉट एट ऑल यूज़ टू ईट आई वॉज स्कैड. यानी कि मैंने ऐसा कभी यूज़ नहीं किया था पहले तो इसलिए मैं बहुत डर जाती थी. बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. यानी कि लेकिन अभी मुझे उसकी आदत हो गई है. देन नेक्स्ट क्या लिखा है? आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन. यानी कि मुझे पता है अभी कि कैसे लाइन में खड़ा होना है. स्टैंड यानी कि खड़ा होना. हाउ मच टू पे फॉर द टिकट. यानी कि कैसे फिर टिकट लेनी है. वेयर टू गेट डाउन. यानी कि फिर कैसे नीचे जाना है. देन उसको ऐसे हॉस्पिटल में जाने की फिर आदत हो गई थी. देन नेक्स्ट इज वेयर वी स्टे देयर इज अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय. देन क्या लिखा है? इज जहाँ रहते हैं. यानी कि वो कहते हैं कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पास में बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी हैं. बिल्डिंग यानी कि जो बड़ी बड़ी इमारतें होती है वो. एंड नियर बाय यानी कि पास में. तो वो कहती है हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पास में बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग है. माई मामी वर्क इन सेवन हाउस देर. यानी कि मेरी मामी वहाँ पे 7 घरों में काम करती है. मीनिंग ऑफ वर्क यानी कि काम करना. सी वॉशिस यूटेंसिल्स यूटेंसिल्स एंड क्लीन द हाउस. यानी कि वो वहाँ पे बर्तन मांजती है झाड़ू पोछा करती है और घर के साफ सफाई भी करती है. तो यहाँ पे नंदिता है वो क्या कहती है कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पास में ऊंची ऊंची बड़ी सी बिल्डिंग है. मेरी मामी वहाँ पे 7 घरों में काम करती है. वो वहाँ पे बर्तन मांजती है. यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन मांजना.
देन झाड़ू पोछा करती है और घर और वहाँ पे घर पे काम करती है, यानी कि साफ सफाई करती है। देन क्या लिखा है, वन डे आई वेंट देयर विथ हर, यानी कि वो नंदिता कहती है कि फिर मैं एक दिन अपनी मामी के पास वहाँ पे गई थी। वैन देन नेक्स्ट क्या है, वैन आई फर्स्ट शो द बिल्डिंग आई थॉट दैट इट वॉज वन बिग हाउस, यानी कि फिर वो कहती है कि जब मैंने पहली बार बिल्डिंग को देखा तो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा घर है, बट आई फाउंड दैट वेयर मैनी हाउस वन ऑन टॉप ऑफ अदर, यानी कि वो कहती है यहाँ पे इतनी सारी, वो कहती है कि मुझे बाद में पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे घर हैं, एक के ऊपर एक, ऐसे बहुत सारे घर हैं। यहाँ पे किसके नीचे अंडरलाइन किए, वन ऑन टॉप ऑफ अनदर, यानी कि एक के ऊपर एक ऐसे वहाँ पे बिल्डिंग्स में बहुत सारे घर हैं। आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मैनी स्टेयर्स, यानी कि वो फिर वो सोचने लगी कि मैं वहाँ पे ऐसे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं तो कैसे चढ़ूँगी। But there was a lift to take people up and down, लेकिन वो कहती है कि वहाँ पे ऐसे लिफ्ट थी जिससे लोग ऐसे अप एंड डाउन वहाँ पे चढ़ रहे थे और उतर रहे थे लिफ्ट से। तो वो वहाँ पे क्या कहती है कि वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए होती हैं जहाँ पे लोग ऐसे लिफ्ट से होकर अप डाउन यानी कि ऊपर चढ़ते हैं देन नीचे भी आते हैं। इट वॉज लाइक अ बिग आयरन केज विथ फैन एंड लाइट एंड इवन अ बेल, लिफ्ट एक बहुत ही बड़ा आयरन केज है, यानी कि बहुत बड़ा आयरन केज है जिसमें फैंस और लाइट्स भी लगी हुई होती हैं और उसमें एक बेल भी होता है। देन क्या लिखा है, देन क्या लिखा है, सो मैनी ऑफ यूज गॉट इन टू द फ्लिप्स, यानी कि बटन दबाते ही लोग ऊपर आ जाते हैं और बटन दबाते ही लोग वहाँ पे नीचे आ जाते हैं। तो क्या लिखा है, सो मैनी ऑफ यूज गॉट इन टू द लिफ्ट, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लिफ्ट का यूज़ करते हैं। समबडी प्रेस द बटन एंड लिफ्ट वेंट अप क्विकली, यानी कि वहाँ पे बटन दबाते ही लोग ऊपर जा जाते हैं देन बटन दबाते ही लोग नीचे आ जाते हैं। समबडी यानी कि कुछ लोग, प्रेस यानी कि दबाना, बटन बटन दबाते ही लोग ऊपर आ जाते हैं और बटन दबाते ही लोग नीचे आ जाते हैं। टू टेल यू द ट्रूथ आई वॉज वेरी स्केर्ड इन द बिल्डिंग, यानी कि मैं सच में आपको बताती हूँ कि जब मैं से कुछ भी पता नहीं होता था तो मैं उससे बहुत ही बिल्डिंग से डरती थी। मीनिंग ऑफ स्केर्ड यानी कि डरना। फिर वो कहती है कि अब मुझे धीरे धीरे से उसकी आदत हो गई है। देन नेक्स्ट इज लेट्स अस टॉक, यानी कि चलो बातचीत करते हैं। Do you know anyone who was admitted to a hospital? यानी कि क्या आपको पता है कि कौन है जो हॉस्पिटल में एडमिट है? तो उसकी मम्मा यानी कि नंदिता's mother was admitted to a hospital. For how many days was he or she in the hospital? यानी कि वो कितने दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है? तकरीबन 1 month, यानी कि वो 1 महीने के पहले मामा के घर पे आई थी तब उसकी मम्मा को एडमिट किया था। देन नेक्स्ट क्या है, डिड यू विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल, यानी कि क्या कभी आपने ऐसे कोई पर्सन को हॉस्पिटल में विजिट करने गए हो? देन हाउ कैन वी राइट आंसर, येस आई विजिट द पर्सन इन द हॉस्पिटल, यानी कि आप गए हो तो येस लिखना है, अगर नहीं गए हो तो नो लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल, यानी कि वहाँ पे देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल में उनके पास कौन है पेशेंट के, तो वो आपको आपके आंसर के अकॉर्डिंग वहाँ पे बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग वेयर, यानी कि क्या कभी आपने ऐसी कोई ऊंची बड़ी इमारतें देखी है और कहाँ पे देखी है? तो दिस क्वेश्चन आंसर इज अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपके हिसाब से आपको बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी फ्लोर डिड द बिल्डिंग हैव, यानी कि वो बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स है वो भी आपको बताना है। देन क्वेश्चन इज हाउ मैनी फ्लोर डिड यू क्लाइंब, यानी कि वहाँ पे कितने फ्लोर पे आप जा चुके हो यानी कि चढ़ चुके हो लिफ्ट से या फिर सीढ़ियों से, तो वो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर आपको बताने हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि नंदिता ने कैसे बड़ी बड़ी इमारतें देखी थी और उसमें कैसे लिफ्ट थी और कैसे लोग वहाँ पे बटन दबाते ही ऊपर जाते थे और बटन दबाते ही नीचे आ जाते थे। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा।